मैक्स स्वागत है सभी के फ्रेश न्यू व्लॉग में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो कैसे अभी मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट, और नहीं तो वापस बैक टू कलकत्ता आ रही है। तो एयरपोर्ट से बाहर आ गई है और मैं कार लेकर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कार में कुछ उसका प्रॉब्लम है थोड़ा सा कार का, इसलिए मैं बाई बस जा रहा हूँ। और आते समय भाई हम लोग कैब आ जाएंगे। तो नहीं तो भी बाहर वेट कर रही है, फॉल आया था मेरे पास, कॉल आया था, तो फटाफट जाते 10 मिनट में पहुँचाऊँगा एयरपोर्ट। देखिए ये है वॉल्वो बस, जिसमें मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट जा रहा हूँ नीतू को लेने के लिए। और हावड़ा रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट मतलब ये 1-1.5 घंटे में पहुँच जाती है, और कुछ 50 रुपये लेती है। और एयरपोर्ट से वापस रेलवे स्टेशन सेम फेयर पर पर्सन। और भाई अगर आप ऊबर और कैब वगैरह करें तो वहाँ पर 450 रुपये आपको पड़ेंगे। और ये बेस्ट सर्विस है वॉल्वो बस सर्विस, फुल एसी एकदम, और बढ़िया एकदम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर The next day. Hello guys, good morning. Welcome to day 2. और जिम्स वगैरह जैसे बंद है कोरोना हिसाब से, तो अभी मैं और पापा विक्टोरिया रनिंग करने जा रहे हैं। रनिंग करके आते हैं, कार्डियो अच्छा हो जाएगा। तो गाइस अभी मेरी और पापा की रनिंग वगैरह हो गई है, कम से कम 4-5 किलोमीटर हम लोग रनिंग किए, आधे घंटे से ऊपर हो गया है। और अभी थोड़ा रेड रोड पे वॉक करते करते, पापा भी चाहे कर रहे हैं, वॉक करते करते अभी जा रहे हैं रेड रोड पे। और बहुत ही ठंडा मौसम है, एकदम भागने लायक, एक्सरसाइज करने लायक, जिम तो मैंने बोला वैसे बंद ही है, तो अभी वॉक करते करते चलते हैं और फिर घर जाएंगे। देखिए गाइस अभी हम लोग रेड रोड पे चल रहे हैं, और पापा फिर से थोड़ी थोड़ी रनिंग चालू कर दी है, और आगे देखिए सब लोग रनिंग कर रहे हैं। बहुत ही लंबा रोड है, स्ट्रेट है, और साइड में भागने के लिए भी है, और उस साइड भी देखिए। तो फटाफट मैं भी थोड़ा आगे और भागता हूँ, चलिए। तो वैसे भी जस्ट रनिंग करके आया मैं और पापा, बहुत ही हालत ख़राब हो गई, टी शर्ट एकदम स्वेट स्वेट हो गया, तो मैं टी शर्ट चेंज की। और अभी मेरे जो शूज़ के जो पैर है वो कुछ ज़्यादा ही हो गए, तो उसमें जो जो पुराने शूज़ है वो अभी मैं सोचता हूँ कि बाहर निकालूँ, और जो मतलब जिनको ज़रूरत है उनको मैं दूँ, क्योंकि मैं वैसे भी पहनता तो हूँ नहीं, और ऐसे कैसे पड़े बहुत टाइम से, इतने पुराने हो गए, मैं आपको दिखाता हूँ कितने सारे पैर से। और गैस यहाँ पे जो ट्रॉफीज़ पड़ी थी लाइन से, मतलब ऐसे टेढ़ी जो लंबी थी इसमें नहीं आ रही थी, वो मम्मी ने वहाँ एडजस्ट की। देखिए इतनी सारी ट्रॉफीज़ है, सब उधर लाइन से लगी हुई है। चलिए मैं शूज़ दिखाता हूँ आपको। तो गैस मेरी रूम की जो बालकनी है उसमें ये छोटा सा कबर्ड टाइप का है, इसमें सब शूज़ वगैरह रखे हुए हैं। तो अभी मैं देखता हूँ कौन से रखने हैं, कौन से देने हैं। ये तो एक्चुअली पापा के हैं, और ये मैं अभी दीघा जाने से पहले लाए थे, और इसमें देने जो दूंगा मैं वो तो ये है, और इसका आगे का सोल थोड़ा सा उस पर टूट गया है, वरना मैं ये दार्जिलिंग लेके ले जाता पहन के। और एक ये वाले, और बाकी तो एक दो जोड़ी ये ठीक ही है, और ये वाले भी देने ब्लैक वाले, और आगे 3-4 जोड़ी आगे पड़े गेट के वहाँ पर मेन गेट पर, तो बस अभी निकाल देते हैं। हेलो गाइस गुड इवनिंग, और अभी शाम के बज रहे हैं कुछ 5:15, और घर मतलब वो घर में आज थोड़ा जल्दी आया। और क्यों आया उसका रीज़न है कि मैं और नीतू आज जा रहे हैं पुष्पा मूवी देखने, बहुत ही एक्साइटेड है मूवी के लिए, तो सोचा कि आज शाम को जाके आते, 6 बजे का शो है, यहाँ पास में ही वो आइनॉक्स फोरम है वहाँ जा रहे हैं। तो अभी मैं और नीतू फटाफट निकलते, सोनू को बोला, बोली नहीं आना, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, मम्मी को पूछा, मम्मी बोली नहीं तुम लोग दोनों जाके आओ, फिर मैं और पापा जाएंगे, मतलब मम्मी और पापा। तो अभी मैं और नीतू जा रहे हैं, और चलिए अभी निकलते। अभी हम लोग एंटर कर गए आइनॉक्स में, और थोड़ा फूड कोर्ट में घूमे, पर अभी सोचा कि मूवी चालू हो रहा है तो पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ही पियेंगे, खाएंगे पियेंगे। तो अभी मैं फटाफट पॉपकॉर्न कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूँ, और फिर चलते हैं अंदर थिएटर में। तो मूवी ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाली है, 2-5 मिनट बचे हैं, तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी मैं और नीतू अंदर आ गए थिएटर में, और थिएटर वैसे एक्चुअली फुल खाली है, क्योंकि अभी कैपेसिटी के साथ वो मतलब 50% कैपेसिटी के साथ अलाउड है। तो अभी हम लोग खाली पॉपकॉर्न खा रहे हैं, उसके लिए साथ में बैठे, और बाद में मास्क पहन के थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे। समझ रहे हो ना। तो गाइस मूवी देख ली, और अभी बेसमेंट में आ गए, पार्किंग में अभी जा रहे हैं घर, और ट्रस्ट में बहुत ही शानदार मूवी है, थोड़ी लंबी है पर एकदम मस्ट वॉच है, देखने लायक है। सॉरी लाइट प्रॉब्लम हो रहा है। और नीतू को भी बहुत मज़ा आया गाने में, और मतलब गाने साउथ के थोड़े बॉलीवुड से अलग है, बाकी बहुत ही एकदम शानदार मूवी, मस्ट वॉच है, देखिएगा ज़रूर, और पार्ट 2 का भी इंतज़ार है। नीतू से पूछते हैं कैसे लगी मूवी। बहुत अच्छी, पार्ट 2 का वेट है। तो चलिए अभी घर जाता हूँ फटाफट। द नेक्स्ट डे
आसपास चल रहे हैं और बहुत ही शानदार व्यू एकदम दोनों साइड। इधर बढ़िया हल्के हल्के सनराइज आते हुए राइट साइड। गूगल पे है, गूगल पे गूगल पे गूगल पे तो कार्ड है, कार्ड अभी जस्ट आया घर और अभी बज रहे 7:45 और फटाफट वीडियो फिर ट्रांसफर करके मतलब गोप्रो से फोन में लेके और दूसरे फोन में जो है वो सब एक फोन में लेके फिर एडिट करना है, अपलोड करना है 11 बजे तक। एग्जैक्ट 11 बजे आ जाएगा वीडियो अपना जो टाइम है। और गाइस क्या करना है, चैनल पर नहीं हो तो आपको पता है सब्सक्राइब करना, और कैसे करना वो मैंने पिछले आपको यूनिक वीक में थोड़ा दिखाया था। तो अभी फटाफट मैक्स को वॉक करवाता हूँ और फिर आके एडिट करूँगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। वेलकम बैक सब।